Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the next part of redox titration, that is types of redox titration. In my previous videos, I have already discussed about the basic introductions of redox titration, about the redox indicators and many more things. सब कुछ के बेसिक्स के बारे में बात करके, रेडॉक्स इंडिकेटर्स के बारे में बात करके अब हम मेन बात कर सकते हैं कि रेडॉक्स टाइट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही पॉइंट मेंशन है. सबसे पहला पॉइंट आपका है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन या प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसको आप लोग मेरी थ्योरी ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन से कवर कर सकते हैं. इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है आपका, वहां पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे कि सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, ठीक है. तो यहीं से भी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं. इन सबको हमको इंडिविजुअली पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगा, और कम से कम 10 नंबर में आपका ये आता है, ठीक है. कहीं पर 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन होता है, कहीं पर 10 का, तो 7 या 10 का ये आपको देखने को मिलेगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन. अभी हम बेसिक रिव्यू कर लेते हैं, फिर आने वाली वीडियोज में एक एक वीडियो में पर वर्ड के ऊपर या पर टाइप के ऊपर बना दूंगा. सेरीमेट्री के लिए अलग से, आयोडोमेट्री, आयोडोमेट्री के लिए अलग से, ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन की, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन आपकी एक कॉमन रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके कई रिएक्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं. तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, आपके 15-20 टाइप्स तो मैं ही आपको गिना सकता हूं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है. ज्यादा के बारे में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो मेंशन है वही आपको कवर करना है, ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं, जैसे कि सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री एटसेट्रा, ये सभी नाम इनको मिले हैं इनमें यूज होने वाले टाइट्रेंट के नाम पर. यहां पर लिखा हुआ भी है, दीज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द टाइट्रेंट यूज्ड. जो टाइट्रेंट यूज्ड होता है उसके नाम पर ही उसका नाम पड़ गया है. जैसे कि सेरीमेट्री में सेरिक आयन यूज होता है तो सेरीमेट्री हो गया, आयोडीमेट्री में आयोडीन यूज होती है तो आयोडीमेट्री हो गया, गोट इट. और दूसरी बात क्या लिखी है, बेस्ड ऑन द मेथड, यहां पर कौन से मेथड्स आपके फॉलो हो रहे हैं या प्रोसीड हो रहे हैं, उसके बिहाव पर भी इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, या बात करें डायरेक्ट टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन, ठीक है. तो कौन डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल आपको यह समझना है कि जो भी नाम दिए गए हैं वो उसमें यूज होने वाले टाइट्रेंट के नाम पर दिए गए हैं. तो एक एक के बारे में हम बात करते हैं ब्रीफ में. सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहला टाइप आपका है सेरीमेट्री. सेरीमेट्री का नाम क्यों मिला है इसको, क्योंकि यहां पर सेरिक आयन है ना, Se4+ आयन आपका एज ए टाइट्रेंट यूज होता है. अब कोई भी कंपाउंड आपका आयनिक फॉर्म में नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, तो सेरिक आयन आपको मिलता है सेरिक अमोनियम सल्फेट से, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से, या फिर सेरिक सल्फेट से, ठीक है. इन तीनों में से कोई भी आप टाइट्रेंट के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है. इसके बाद अगर मैं सैंपल की बात करता हूं, किस सैंपल के लिए ये अप्लाई किया जाता है, तो मैंने आपको कई बार रिएक्शन भी दिखाई है, Se4+ वो आपका रिएक्शन करता है Fe2+ से, तो वहां से आप लोग समझ गए होंगे कि फेरस आयन के लिए या फेरस कंपाउंड के लिए भी यूज किया जा सकता है. दूसरा कॉपर कंपाउंड के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है. तो टाइट्रेंट आपका सेरिक आयन है, जो कि आपको सेरिक अमोनियम सल्फेट या फिर सेरिक सल्फेट से मिलेगा, ठीक है. और सैंपल आपका क्या है, फेरस आयन और कॉपर आयन, ठीक है. इंडिकेटर की बात करता हूं, तो यहां पर आपका इंडिकेटर यूज होता है 10-फिनेंथ्रोलीन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम फेरोइन भी बोलते हैं, ठीक है. ये आपका ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन भी कहलाता है, ठीक है. तो फेरोइन को शॉर्ट में याद रखना, फेरोइन को हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इन द सेरीमेट्री, ठीक है. तो आपको ये पता लग गया, क्योंकि प्लेयर्स पता होने चाहिए, ठीक है. अगर आप किसी टीम के विरुद्ध खेलने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सामने कौन कौन सा प्लेयर है. अगर आप आगे चल के डिटेल में सेरीमेट्री को पढ़ोगे, तो टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंड होता है, और इंडिकेटर होता है. तीनों के बारे में लिखा हुआ है, ये आपका टाइट्रेंट है, ये आपका टाइट्रेंड है, जिसको हम एनालाइट या सैंपल भी बोलते हैं, और ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है. बात कर लेते हैं आयोडीमेट्री के बारे में. ये दोनों मेथड आपके आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री, इन दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है आयोडीन टाइट्रेशन.
या फिर टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, ऐसा टाइट्रेशन जहां पर आयोडीन आपकी इन्वॉल्व होती है। अगर मैं आयोडीमेट्री की बात करूं तो आयोडीमेट्री आपका एक डायरेक्ट टाइट्रेशन है। डायरेक्ट टाइट्रेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर आयोडीन आपकी डायरेक्ट यूज की जाती है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका टाइट्रेट है वो खुद आपका आयोडीन सॉल्यूशन है। ये आयोडोमेट्री आपका इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर आपका टाइट्रेट आयोडीन नहीं है। यहां पर आयोडीन आपके पार्टिसिपेट तो करेगी लेकिन आपकी लिबरेट होने के बाद में, और उसको लिबरेट कौन कराएगा, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट आपका आयोडोमेट्री में टाइट्रेट यूज किया जाता है। गॉट इट। इसके बाद अगर मैं सैंपल की बात करता हूं तो सैंपल आपका आयोडीमेट्री में होता है थायोसल्फेट आयन, दैट इज द H2O3- आर्सेनिक आयन As3+, स्टेनस आयन SN2+ एंड एंटीमनी आयन SN3+। इंडिकेटर की बात की जाए तो स्टार्च आयोडीन फिल्टर पेपर यहां पर आपका यूज किया जाएगा। आयोडोमेट्री में टाइट्रेंट आपने देखा सोडियम थायोसल्फेट है, यानी कि Na2S2O3। सैंपल की बात करें तो डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी सैंपल आपके आयोडोमेट्री के रहेंगे। इंडिकेटर की बात की जाए तो अगेन आपका स्टार सॉल्यूशन यहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखो स्टार सॉल्यूशन के अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, जब भी स्टार्च आपके आयोडीन के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये आपका ब्लू कलर देता है, और ये ब्लू कलर ही एंड पॉइंट इंडिकेट करता है। लेकिन अगर स्टार सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आयोडीन ना आए तो आपका कोई कलर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भले ही डायरेक्ट यूज की जाए या इनडायरेक्ट यूज की जाए, आयोडीन तो है ना, यहां पर आयोडीन डायरेक्ट यूज की जा रही है, यहां पर आयोडीन आपकी बनेगी, ठीक है, लिबरेट होगी, फिर बाद में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो दोनों में आयोडीन यूज की जा रही है तो दोनों के दोनों स्टार्च के साथ में रिएक्शन करेगी और एंड पॉइंट पर ब्लू कलर दे सकती है। इसी वजह से दोनों का एंड पॉइंट क्या, दोनों का इंडिकेटर क्या है, सेम यहां पर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। एक और पॉइंट है आपका यहाँ पे आयोडीमेट्री की अगर मैं बात करूं तो आयोडीमेट्री में जो आपकी आयोडीन है वो बिहेव करती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जबकि आयोडोमेट्री में आपकी आयोडीन बिहेव करती है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको यह भी पता है अगर आपका टाइट्रेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो आपका सैंपल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर टाइट्रेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो सैंपल आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेरी मच सिंपल। ठीक है, तो ये आपका आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री के बारे में है। देख लेते हैं ब्रोमेटोमेट्री के बारे में, आयोडेटोमेट्री के बारे में और डाइक्रोमेट्री के बारे में। ये दोनों के दोनों मेथड आपके लगभग लगभग सिमिलर है। देखो आयोडेटोमेट्री आपका आयोडीन टाइट्रेशन का हिस्सा नहीं है, आयोडीन आपकी यहां पर भी होगी लेकिन ये आपका आयोडीन टाइट्रेशन का पार्ट नहीं है। आयोडीन टाइट्रेशन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री। तीसरा आपका होता है आयोडेटोमेट्री। आयोडेटोमेट्री क्योंकि यहां पर सैंपल आपका टाइट्रेंट बिल्कुल अलग है आपका। देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमेटोमेट्री के बारे में। ब्रोमेटोमेट्री में आपकी ब्रोमीन एज ए टाइट्रेंट वर्क करेगी, लेकिन ये ब्रोमीन आएगी कहां से, ये ब्रोमीन आपको प्राप्त होगी पोटेशियम ब्रोमेट से। ठीक है, ब्रोमेट है इसी वजह से ब्रोमेटोमेट्री बोला गया है। यहां पर आपका आयोडेट होगा तो आयोडेटोमेट्री बोला जाएगा। तो पोटेशियम ब्रोमेट दैट इज द KBrO3। ठीक है, ये यहां पर एज ए टाइट्रेंट यूज होगा। सैंपल की बात की जाए तो आपका एंटीमनी, आर्सेनिक एंड एजोफेनम, एजोफेनम इज ए ड्रग। ठीक है, इन सभी सैंपल के लिए आपका ब्रोमेटोमेट्री यूज किया जा सकता है। इंडिकेटर की बात की जाए तो मिथाइल रेड, फक्शन एंड नेफ्थलीन 12B। ठीक है, ये तीनों इंडिकेटर आपके यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको फुक्सिन बोलते हैं, कुछ लोग इसको फुटसिन बोलते हैं। ठीक है, एज यू वांट, मिथाइल रेड, मिथाइल ओरेंज, नेफ्थलीन 12B, ये सभी यहाँ पर एज ए इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं। गॉट इट। यहाँ पर आपकी ब्रोमीन, यहाँ पर आपकी आयोडीन, बट ध्यान रखना दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आयोडीन टाइट्रेशन। ठीक है, यहां पर आपकी ब्रोमीन बनी है पोटेशियम ब्रोमेट से, तो यहां पर आयोडीन बनेगी पोटेशियम आयोडेट से, दैट इज द KIO3। तो ये टाइट्रेंट आपका किसमें है, आयोडेटोमेट्री में। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके सिलेबस में आयोडेटोमेट्री के नाम से मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में मेंशन है टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटेशियम आयोडेट। ठीक है,
एग्जाम में चाहे इस नाम से आए या इस नाम से आए, दोनों में सेम बातें लिखनी है, ठीक है। अगर मैं सैंपल की बात करता हूं तो सैंपल यहां पर विटामिन सी, दैट इज द एस्कोर्बिक एसिड, हाइड्रोजन, कॉपर सल्फेट, कॉपर थायोसाइनाइड, टाइटेनियम एटसेट्रा, ये सभी सैंपल यहां पर एज ए टाइट्रेंड यूज किए जा सकते हैं, यानी कि इनको टाइट्रेंड टाइट्रेट किया जा सकता है। इंडिकेटर की बात की जाए, आयोडीन का नाम आया है तो स्टार्च आयोडीन आपका ऑब्वियसली होगा। इसके अलावा यहाँ पर आयोडीन जो आपकी है वो भी खुद इंडिकेटर की तरह काम कर सकती है, आपने पढ़ा है ना सेल्फ इंडिकेटर, तो ये आपका रिएक्टेंट होने के बावजूद इंडिकेटर की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि आयोडीन का ओरिजिनल कलर होगा ब्राउन, और जब एंड पॉइंट पर आपकी आयोडीन कंप्लीटली क्या हो जाएगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगी, तो ब्राउन कलर भी डिसअपीयर हो जाएगा, उससे भी एंड पॉइंट पता लग सकता है, ठीक है। तो दिस इज द क्रोमेटोमेट्री एंड आयोडेटोमेट्री। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं डाइक्रोमेट्री के बारे में। डाइक्रोमेट्री के नाम से ही पता लग रहा है, कहीं ना कहीं डाइक्रोमेट आयन आपका यूज होगा। तो डाइक्रोमेट आपको मिलेगा कहां से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, दैट इज द K2Cr2O7, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पोटेशियम क्रोमेट आपका अलग होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट अलग होता है, यहां पर डाइक्रोमेट यूज किया जा रहा है, ठीक है, ये वाला आपका यहां पर डाइक्रोमेट आयन आपका यूज किया जा रहा है। तो टाइट्रेंट आपका क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सैंपल की बात की जाए तो आयरन, ठीक है, आपने जब पिछली वीडियो में देखा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था थ्योरी ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, एप्लीकेशन में हमने बात की थी कि डाइक्रोमेट्री आपके आयरन साल्ट को टाइट्रेट करने के लिए यूज होती है। आयरन साल्ट बेसिकली आपके आयरन सेकेंड यानी कि Fe+2 या फिर फेरस आयन, तो फेरस के कोई भी साल्ट हो सब आपके डाइक्रोमेट्री से स्टैंडर्डाइज या आपके डिटरमाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस थायोसाइनाइड एटसेट्रा, कोई भी फेरस का साल्ट हो डाइक्रोमेट्री में इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। इंडिकेटर की बात की जाए तो मोस्ट पॉपुलर सोडियम डाइफिनाइल एमाइन सल्फेट, ठीक है, या फिर सोडियम डाइफिनाइल एमाइन सल्फोनिक एसिड, ये दोनों यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग स्टार्च आयोडीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर एंड पॉइंट नहीं दिखा पाती, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज सोडियम डाइफिनाइल एमाइन सल्फेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन व्हिच इज मेंशन इन योर सिलेबस। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है या बात कर ले बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अधिकतर रिएक्शन में होते ही है, ठीक है। आपका इसके अलावा परमैग्नोमेट्री हो सकता है, जहां पर परमैग्नेट आयन होगा जो कि पोटेशियम परमैग्नेट से मिलेगा, ठीक है। आपका डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन जो आपने पढ़ा है अभी, ठीक है, वो भी आपका क्या है, रेडॉक्स टाइट्रेशन का ही टाइप माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो आपके बहुत सारे हैं, आपके नाइट्राइट टाइट्रेशन, परमैग्नोमेट्री, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो अलग बात है, ठीक है, वैसे वहाँ भी नहीं पूछा जाता, उससे सिलेबस से बाहर बहुत कम चीज़ें आती है, भले ही आपका GPAT हो, ठीक है, या ड्रग इंस्पेक्टर हो, सिलेबस के अंदर ही इतना कुछ है कि उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, एंड गाइस इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।